हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से एच यू हेल्प केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के बारे में स्टडी की। इक्वेशन जो फर्स्ट आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन जो सेकेंड हमारे पास में आ रही थी वो आ रही थी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ रही थी हमारे पास। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है बच्चों, वो आपके पास में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की जीरो पावर की क्या होती है, रिएक्शन की रेट डायरेक्टली होती है। अब बच्चों लास्ट टाइम में जो हमारे पास में जो रिएक्शन आ रही थी इंटीग्रेटेड, उसको हमने बोला कि आर टी माइनस में आर नोट इक्वल होता है माइनस के टी। अब यहाँ पर जो आपके पास में जो होगा बच्चों, ये आर टी जो होगा इसको हम बोलेंगे फाइनल कंसेंट्रेशन, या बोले एट टाइम टी कंसेंट्रेशन। और यहाँ पर जो आपके पास में आर नोट होगा इसको बोलेंगे इनिशियल कंसेंट्रेशन बच्चों। और यहाँ पर आपके पास में जो के होगा वो होगा रेट कॉन्स्टेंट, क्या होगा रेट कॉन्स्टेंट। और टी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर है टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर टी का मतलब क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका ग्राफ भी प्लॉट किया था, ग्राफ क्या आएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसी में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम किसकी बात करें, ये जीरो ऑर्डर का ही दिया गया हमारे पास में, देखिए बच्चों टी हाफ इसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। सर ये क्या होता है, जब आपके पास में किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जिस टाइम पर क्या हो जाए अपनी हाफ हो जाए, इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, पहले मान लो एक थी अब कितना हो जाए 1/2 हो जाए आपके पास में, हाफ हो जाए आधी हो जाए, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे टी हाफ बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, कि इनिशियल कंसेंट्रेशन कैसी हो जाए आपके पास में आधी हो जाए हाफ हो जाए, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन के टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ। आप इसे देखते हैं कि द टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन मतलब हो जाएगा आर नोट बच्चों, और आर नोट का मतलब क्या हो जाएगा रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन है जिस टाइम पर क्या हो जाए आर नोट बाई टू, उसका हम क्या बोलेंगे टी हाफ बोलेंगे। अब चलो हम करते हैं आगे, हमारे पास में जो इक्वेशन जो थी सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड जो हमारे पास में थी वो थी आर टी माइनस में आर नोट इक्वल था माइनस में के टी बच्चों। अब टी हाफ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टी बराबर जीरो सेकंड पर, या टी बराबर जीरो सेकंड पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमारे पास में इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है आर नोट है, इसको बोलेंगे इनिशियल कंसेंट्रेशन। लेकिन एट टी बराबर टी हाफ टाइम पर क्या बोल रहे हैं आपके पास में जो टाइम है वो कितना होगा टी हाफ, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी आर नोट बाई टू, और इस आर नोट बाई टू को हम बोलेंगे आर टी फाइनल कंसेंट्रेशन, या बोले एट टाइम टी पर कंसेंट्रेशन। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है आर टी, आर टी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे इस रिएक्शन में, देखो आर टी माइनस में आर नोट इक्वल माइनस में के, और जो टी आप निकाल रहे हो टी किसका निकाल रहे हो टी हाफ निकाल रहे हो, ठीक है। अब यहां पर आते हैं आर टी कितना दिया आपको आर नोट बाई टू, और ये कितना है आर नोट माइनस का के टी हाफ, ये आ गया आपके पास में। अब इसको जैसे हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस टू आर नोट, सॉरी यहां पर क्या आएगा हमारे पास में माइनस आर नोट बाई टू, देखो इधर से ये पावर यहां पर जाएगी माइनस के टू आर, इधर से जाएगा क्या जाएगा माइनस में आर नोट बाई टू इक्वल माइनस में के टी हाफ, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में टी हाफ जो निकल के आ रहा है यहां से वो टी हाफ हो जाएगा आर नोट बाई टू के, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। टी हाफ जो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम जो होगा वो क्या होता है आर नोट बाई टू के, इट मीन्स कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर, या फिर बोले रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होती है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती बच्चों,
वापस देखते हैं बच्चों एक बार, आपके पास में देखो बोला कि वह टाइम द टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, कि आपके पास में इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, आधी हो जाए। तो हम ये बोल रहे हैं टी बराबर जीरो सेकंड पर हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, आर नोट, तो हमारे पास में टी, अब जो टाइम आ रहा हो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा टी हाफ, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आर नोट बाई टू, जिसको हम बोलेंगे आर टी एट टाइम टी पर कंसेंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारे पास में आंसर क्या आएंगे, टी हाफ का ये आ जाएगा, इसको बोल देंगे इक्वेशन है थर्ड बोल देंगे बच्चों। अब बात ये आ रही है सर इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में जो एग्जाम्पल्स आएगा तो हम बोल सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो पहला जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि फोटोकेमिकल, जो भी फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल का मतलब होगा आपके पास में कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो भी रिएक्शन हो रही है वो सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर होगा एच टू गैस और सी एल टू जो गैस दी हुई है, अगर यहाँ पर हम सनलाइट ले लें तो ये क्या बना लेगा, टू एच सी एल, एक रिएक्शन ये हो जाएगी, तो ये रिएक्शन जो होगी हमारे पास में जीरो रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास हो सकती है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, इसका डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, हम ये बोल सकते हैं सर अमोनिया का डीकम्पोजिशन जब होगा और किसकी सरफेस पे हो रहा है, ये हमारे पास में ये हो रहा है हमारे पास में पीटी प्लेटिनम की सरफेस पे हो रहा है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डीकम्पोजिशन क्या जाएगा बच्चों, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन सरफेस ऑफ पीटी, पीटी की सरफेस, तो हम देखो इसका डीकम्पोजिशन कराते हैं अमोनिया का, कराओ इसका डीकम्पोजिशन आपके पास में हैबर प्रोसेस से हो जाएगा, तो क्या होगा एन टू गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास में, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों तीन दूनी छः थ्री एच टू गैस, इसका क्या हो गया डीकम्पोजिशन हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहीं पर तो हम बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन सरफेस ऑफ एयू, एयू का मतलब क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, यहां पर किसकी सरफेस हो रहा है गोल्ड की सरफेस पे, तो एच आई का डीकम्पोजिशन कराते क्या होगा टू एच आई जो होगी आपके पास कन्वर्ट होगी एच टू गैस प्लस में आई टू गैस में। ये सारे सारे जो एग्जांपल आपके पास में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हो जाएंगे, मतलब ये जो रिएक्शन जब प्रोसीड होंगी तो ये इन रिएक्शन की जो रेट होगी वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी बच्चों। तो वापस हम थोड़ा इसकी समरी कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास में होती क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की जीरो पावर पर होती है, तो हम बोल सकते हैं आर ई डायरेक्टली के आर की पावर जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे R इक्वल क्या हो जाएगा K, मतलब कि आपके पास में रेट क्या होगी यहाँ पर है? रेट क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी, तो हम इसका अगर मान लो बोल सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि ये रेट है और रेट क्या होती है द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम एंड वो ले रहे थे इंटीग्रेशन ले रहे थे, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ रही थी और इक्वेशन सेकंड हमारे पास में क्या आ रही थी बच्चों, वो आ रही थी हमारे पास में आर टी माइनस में आर नोट इक्वल किसके होगा माइनस में के टी, ये इक्वेशन कौन सी आ रही थी इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन कौन सी आ रही थी सेकंड आ रही थी, और हमारे पास में जो लास्ट में जो आ रहा था टी हाफ हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए वो कौन सा आ रहा था आर नोट बाई टू के, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होगी वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो इसका टी हाफ होगा हाफ लाइफ टाइम होगा वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हो जाएगा और डीकम्पोजिशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों एच आई। अब लास्ट जो वीडियो आपने देखा और ये वीडियो, इसके बाद जो अगला वीडियो आपके पास में आएगा नेक्स्ट वीडियो हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो इसके न्यूमेरिकल्स की डिस्कस करेंगे बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से,
यहाँ से हर साल न्यूमेरिकल आता ही है, दो या तीन नंबर का बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।